हे गाइस, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में जो है 33 नंबर क्वेश्चन स्टोरेज के वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, और वीडियो जो है लेक्चर जो है रिमेनिंग्स बीच में ही जो हुआ वो डिसकनेक्ट हो गया, राइट। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखोगा क्वेश्चन नंबर 33 का जो फर्स्ट है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, एक एम्प्लॉय 1,000 का सामान और 500 रुपये का कैश जो है चुरा लिया। कहने का मतलब क्या हुआ, कैश एब्सकॉन्ड हो गया, मतलब उस कहने का मतलब वो जो है ना छोड़ दिया कंपनीज। तो वो एंट्री क्या पास होगा, बेसिकली जब भी इम्प्लॉय कोई भी सामान चुराता है या मान लो अपने बिजनेस से उस पर्टिकुलर बिजनेस से लेके जाता है, उसको लॉस बाय थेफ्ट किसे डिनोट करते हैं, राइट। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू कैश अकाउंट। हुआ कैश हो गया आपका 500, ये 1,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20,000 का, वो सामान इंश्योरेंस का, 20,000 का सामान था जो इंश्योरेंस के लिए दिए थे, मतलब 20,000 का सामान जो है आपने इंश्योर्ड हुआ 15,000 का, राइट। जो एनुअल एनुअल इंश्योरेंस हुआ 5% उस पे पे किए हैं। तो देखो, तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ 750 और 750। ये कैसे आया, 15,000 का सामान था, राइट, जिसपे आपने 5% जो है प्रीमियम भुगतान किए हैं, 150 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 750। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एन ओल्ड मशीन वेयर मशीन कॉस्टिंग 5, वो 5,000 के मशीन को 6,000 में बेच दिया सिंपल, 1,000 रुपए का आपको क्या हो गया प्रॉफिट, राइट। तो हुआ देखो, ये नॉन ट्रेडिंग गुड्स है, सेल्स का प्रयोग तो होगा नहीं। कैश आया वो आपके पास कितना, 6,000। टू मशीनरी आपके बिजनेस से आउट है 5,000 का, और टू प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट है वो आपका 1,000। उसके नेक्स्ट फोर्थ नंबर हुआ ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू दीप सिखा, इशूड इनवॉइस एट 20% अबव एंड कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हुआ दीप सिखा को माल बेचा है 1,000 का, जिसकी लागत कितना था, 1,000, राइट। और वह 1,000 के साथ 20% बढ़ा के और 10% घटा के, वह एंट्री क्या होगा पास, दीप सीखा है ना, दीप सीखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखो हुआ, 1,000 का सामान था जिसपे 20% आपने बढ़ा के दिया, तो ये कितना हो जाएगा 200, तो ये कितना हो गया 1,200, जिसपे 10% क्या है ट्रेड डिस्काउंट, यानी 120। तो फाइनल हुआ 1,200 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 10, 10,80। तो अमाउंट हो गया वो इसका 10,80 और 10,80, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 33 जो है कंप्लीट हो गया है। आइए अब वो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 34 से, थोड़ा सा इसको आप मिटा लो। क्वेश्चन नंबर 34 का जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, 1,000 ड्यू फ्रॉम रोहित रोहित आर नाउ बैड डेट्स। वो सिंपल क्या बोला, रोहित के पास में 1,000 रुपया बाकी था, अब वो बैड डेट्स मतलब देगा नहीं। तो एंट्री क्या होगा,
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, अमाउंट है 1000 और 1000 दूसरी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। गुड्स वर्थ 2000 वेयर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर, देखो वो ड्रॉइंग्स है, 2000 का सामान जो है प्रोप्राइटर ने यूज किया है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट हो गया वो 2000 थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन देख लो। चार्ज डिप्रिसिएशन 10% ऑन 10% फॉर 2 मंथ ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 30,000, वो देखो तो डिप्रिसिएशन चार्ज करें आप मशीनरी पे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, वो 30,000 का जो है डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए आप 10% से, तो यहीं पे निकाल लो, अगर 30,000 का अमाउंट है इंटू 10/100 इंटू 2/12 तो ये हो गया 6,500 फोर्थ नंबर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 एट द रेट ऑफ 6% पर 9 मंथ के लिए, वो देखो अब जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले एंट्री पास कर लीजिए उसके बाद अमाउंट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू देखो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका 1,50,000 का अमाउंट है राइट, दिख रहा है आपको 1,50,000 का अमाउंट है जिसपे 6% निकालना है 9 महीने के लिए, को 9 से वो ये जो है 750 × 9 0 और 745 के 5 वो 0 और 945 745 नंबर वो सॉरी 0 945 के 5 हाथ में 4 और 4 बचा और 9 7 63 और 4 67 यह हो गया आपका 67 50। उसके बाद लास्ट एंट्री जो है होपफुली वो पहले इसको नोट करो उसके बाद हम लोग लास्ट एंट्री कवर कर लेंगे। राहुल जो है हु ओड 2000 बीकेम इंसॉल्वेंट अ फाइनल डिविडेंड 60 पैसे रिसीव्ड इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो आपका होपफुली जो है उसको नोट आप लोग कर चुके होंगे राइट। देखो वो इस एंट्री को मिटा देते हैं क्योंकि वो एंट्री जो है सॉल्व करना है, देखो तो वो इसका 34 का जो फोर्थ वन एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट वैट डेट्स अकाउंट डेबिट और टू राहुल है ना, वो टू राहुल अकाउंट
अब देखो कैश कितना मिला, 60%, 2000 का 60/100, देखो 1200 मिला, डूबा कितना 800, 1200 मिला, 800 डूबा, और ये 2000 राहुल के पास में था। तो वह क्वेश्चन नंबर 34 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। इसको थोड़ा सा होपफुली वो प्रीवियस भी आपने सारा चीज नोट किए हुए होंगे। तो अब जो है कंटिन्यूअस जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, राइट। और 35 के बाद जो है ये वो चैप्टर नंबर मतलब ये जो है जर्नल वाले जो क्वेश्चन है सारे के सारे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन को क्यों छोड़े, इसको समझ लेते हैं इसी लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, पहला ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिक है कि बाउट गुड्स फ्रॉम नीतीश फॉर कैश 5000 आल्सो पेड 54 देयर कैरेज, यानी वो आपने परचेज किया है और कैरेज भी पेमेंट किए हैं, राइट। तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज हो गया वो आपका 5000 और कैरेज हो गया 50, राइट। सेकेंड ट्रांजेक्शन ब्रिक्स 4 rupees 2000 एंड टिम्बर 1 परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट वॉज मेड इन कैश। वो देखो बिल्डिंग के लिए रॉ मटेरियल परचेज किए हैं, राइट। तो बेसिकली आप रॉ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, हालांकि ये नॉन ट्रेडिंग गुड्स है तो आप बिल्डिंग को भी डेबिट कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, वो इसको और दूसरे कैसे बना सकते हैं कि रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू अमाउंट हो गया आपका 3 लाख, 3 लाख, अब वो थर्ड एंट्री जो है परचेज ओल्ड मशीनरी 4 rupees 20,000 एंड स्पेंट 500 ऑन इट्स कैरेज एंड 1500 फॉर इमीडिएट रिपेयर। अब वो देखो चूंकि मशीनरी आपका नॉन ट्रेडिंग गुड्स है, जितने भी एक्सपेंसेस है उस पर्टिकुलर गुड्स को मतलब उस पर्टिकुलर जो है मशीनरी की वैल्यू जो है बढ़ जाएगा, स्पेसिफिकली आप मेंशन नहीं करोगे। तो वह थर्ड नंबर एंट्री क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना भी इस मशीनरी हुआ कितना 20,000 का तो मशीनरी था तो अमाउंट देख लीजिए और 1500 तो इमीडिएट रिपेयर में, 500 रुपया कैरेज में, यानी 22,000 का मशीनरी आपका टोटल हो गया। उसके बाद क्या बोलता है हुआ फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन क्या है 35 के अंदर, तो 35 के अंदर जो हुआ फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन है कि रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स रुपी, वो क्या बोलते हैं रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम सेबू, वो शिवू से 5,000 का ऑर्डर रिसीव हुआ और 1,000 ही एडवांस मिला है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्डर है वो तो रह गया इवेंट, उसका कोई भी एंट्री पास नहीं होगा, वह ऑर्डर का जो है कोई एंट्री इवेंट है इसीलिए इसका जो है नो एंट्री होगा। और दूसरा जो एंट्री होगा उसका एडवांस का एक 1000 जो लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट और टू एडवांस फ्रॉम सीबू अकाउंट, सीबू
ये हुआ अमाउंट हो गया आपका 1000, अमाउंट हो गया 1000, लास्ट एंट्री हुआ देख लो फिफ्थ नंबर में, परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिहारी एंड पेड 1000 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स, वो क्रेडिट में परचेज है तो एंट्री क्या पास कीजिएगा, परचेज गुड्स फॉर हुआ कुछ नॉइजेस हैं ना, कुछ जो है बच्चे लोग शायद आपस में मतलब कुछ भी कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, जस्ट अवॉइड दिस नॉइस। तो गाइस देखो यहाँ पे परचेज किया आपने 50,000 क्रेडिट फ्रॉम बिहारी एंड पेड 1000 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स, तो वो आप परचेज अकाउंट फिफ्थ नंबर एंट्री क्या होगा आपका, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 किए हैं आप, परचेज अकाउंट डेबिट है आपका 50,000, वह कैरेज उस पर कितना दिए हैं, इसको दो इंट्री अगर बनाना चाहते हो तो दो भी बना सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू बिहारी अकाउंट, बिहारी है ना हुआ, हाँ 50,000 और 50,000, और कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर सकते हैं इसको, कैरेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट कर सकते हैं 1000 और 1000, वो इस एंट्री को कंबाइंड भी बना सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, टू बिहारी और टू कैश अकाउंट, राइट। तो फाइनली वो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 35 भी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। और इसी वो इसी क्वेश्चन के साथ जो है चैप्टर नंबर 10 जो है यानी जर्नल जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे लेजर यानी नेक्स्ट चैप्टर जो वो हम लोग कवर करेंगे वो बेसिकली लेजर होगा, राइट। तो होपफुली हम लोग मिलेंगे न्यू ईयर में गाइस, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अस, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को वो जो क्लास 12th का लाइव बैच यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट, नॉर्मल अब तो आपको जो यूट्यूब पे कुछ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, जो 1 से 10 और 1 to 20 लेक्चर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, अगर उसमें कोई बच्चे इंटरेस्ट है लाइव बैचेस तो अब उसके लिए एडमिशन जो है कंटिन्यू चल रहा है, फर्स्ट बैच का एडमिशन हम लोग क्लोज कर चुके हैं, राइट। और नेक्स्ट बैचेस का जो हुआ है एडमिशन सब चल रहा है, जो उसका ऑलमोस्ट 20 जन तक चलेगा, उसमें जो है बेसिकली हम लोग एक ऑफर निकाल स्कीम निकाले हैं, 14,000 की जो हुआ कोर्सेस हैं टोटल वो सीबीएसई वाले वो केवल अभी जो हम लोग 10,000 में ऑफर्ड कर रहे हैं, और जो बिहार बोर्ड वाले जो बैच हैं बेसिकली 10,000 वाले कोर्स जो अभी 8,000 में ऑफर कर रहे हैं। तो गाइस इसको और डिटेल में जानने के लिए जो है आप जस्ट कॉल टू कॉग्निजेंट ऑन ऑफिशियल नंबर। चलो गाइस हैव अ नाइस डे, बाय बाय।